जंग के बीच यूक्रेन के लोग देश की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। एक ऐसे ही शख्स के बात हमने की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साशा एलेक्स कुछ इस तरह रोज अपनी बोट लिबर्टी में प्रार्थना करते हैं। ओम का सिंबल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओम लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है लिबर्टी और उसमें एक संदेश है। दरअसल आजकल साशा के लिए यही पूरी बोट जो है वो घर बनी हुई है, क्योंकि जब से युद्ध की रणभेरी बजी है साशा का ये कहना है कि वो लोगों के लिए इस बोट में ही जगते हैं, सोते हैं और रहते हैं, ताकि पता नहीं कब पुल टूट जाए, पता नहीं कब शहर तबाह हो जाए और लोगों को बाहर ले जाना पड़े। साशा, आप कितने दिन से, फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव बीन स्लीपिंग इन दिस बोट एंड यू व्हाट ऑल हैव यू रेडी फॉर इमरजेंसी? फ्रॉम द फर्स्ट डेज ऑफ वॉर आई वाज स्लीपिंग हियर विद माय फ्रेंड। तो ये है साशा की बोट और अपनी बोट में पूरी तैयारी करके रखी है। बाहर से भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लिबर्टी, लोगों को लिबर्टी देने के लिए और लोगों की लिबर्टी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैनात और तैयार है। आइए साशा, और देखिए यहाँ पे आप प्लस साइन दिख रहे हैं किस तरह से इमरजेंसी के लिए ये बोट रखी गई है। ताजा ताजा पेंट है, जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से साशा हमने बताया आपको कि यहाँ पे सो रहे हैं। और साशा, यू पेंटेड दीज रेड क्रॉसेस, व्हाई? जस्ट टू हेल्प पीपल। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको नजर आएगा कि इस तरह से 1, 2, 3, 4 रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं इस बोट लिबर्टी पे। पहले ये पानी में नहीं थी, लेकिन युद्ध के बाद साशा ने इसको पानी में डाला और उसके बाद कैसे जैसे तैसे करके यहाँ से, अगर मिकुलाइव जल्द उठता है तो कैसे सिटीजन्स भागेंगे, अपने लिए नहीं, उन्होंने तैयारी की अपने नागरिकों के लिए और अपने लोगों के लिए। कुछ इस तरह से यहाँ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कोई ना कोई तरीका जो है सोच के बैठे हैं कि अगर बमबारी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि लगातार धमाकों का शोर तो हो ही रहा है, तो बोट के जरिए नहीं तो सड़क के जरिए हम यहाँ से भाग निकलेंगे। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, मिकोलाइव, यूक्रेन आज तक। उस्तमिल में क्या स्थितियां हैं, वहां हमले तेज हुए हैं, हालात ताजा क्या है, हमारे सहयोगी राजेश पवार ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, देखिए जरा। मैं इस वक्त गास्तमोल एयरपोर्ट पे हूं जो कीव के आउटस्कर्ट्स पे है और ये अभी एक टूर ऑर्गेनाइज कराया है यूक्रेन गवर्नमेंट ने, जर्नलिस्ट का, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का। और पीछे मेरे ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये जो मरिया हवाई जहाज है जिसका इतना जिक्र हुआ था, जो युद्ध के दूसरे ही दिन रूस की एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर दिया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और पूरे इलाके में यहाँ जमीन पर आप देखें तो चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का, टैंक्स का, दूसरी गाड़ियों को जो तबाह कर दी गई थी एयर स्ट्राइक में, पूरा कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह हो गया था ताकि इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल में ना लाया जा सके। और रूसी स्पेशल फोर्सेज ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था तीसरे युद्ध के तीसरे ही दिन, कीव के इतने नज़दीक, कीव से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर है ये गास्तोमल एयरपोर्ट। ये एक रॉकेट है देखिए जो पूरे कंक्रीट को फाड़ के अंदर घुस गया है, 2/3 हिस्सा इसका अंदर है अभी। और इस तरह के रॉकेट्स फायर किए गए थे यहाँ गास्तोमल में ताकि ये रनवे है उसको कोई जहाज टेक ऑफ करने के लिए इस्तेमाल ना कर सके। और जो मेन रनवे है यहाँ पर जो उस तरफ है, और ऐसे उसमें यहाँ रॉकेट्स भरे पड़े हैं पूरे एरिया में ताकि कोई भी जहाज वहाँ लैंड ना कर सके और वहाँ से टेक ऑफ ना कर सके। दूसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है एंटोनोव का, यहाँ ये हैंगर बिल्कुल मरिया के हैंगर के अपोजिट साइड है। ये जहाज इतनी तबाही से बच गया है, लगभग सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये रखा हुआ है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और शायद ये जहाज भी इस्तेमाल करने की स्थिति में इस वक्त नहीं होगा। ये जो ये व्हीकल्स हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो इस इलाके की रक्षा कर रहे थे जिस वक्त यहाँ हवाई हमला हुआ और पूरे इलाके को रूसी हवाई हमले और मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया था युद्ध के दूसरे दिन। ये एंटी एयरक्राफ्ट जो गन जो फायर की जाती है जहाज के ऊपर, उसके बेल्ट के टूटे हुए हिस्से जो फायर शायद नहीं किए जा सके, फायर करने से पहले ही तबाह कर दिए गए, ये वो हिस्से हैं।
और ये एंटी एयरक्राफ्ट गोलियां बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ। ये बहुत बड़ी बेल्ट होती है, एक लंबी बेल्ट होती है जो बहुत गति से फायर करती है ताकि जहाज को तबाह किया जा सके। पर इससे पहले कि ये फायर कर पाती, ये एंटी क्राफ्ट गन ही तबाह कर दी गई, शायद मिसाइल स्ट्राइक में जो हुआ था यहाँ दूसरे दिन, युद्ध के दूसरे दिन ये स्ट्राइक हुआ था।